अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशमास किचन। आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार एग करी की रेसिपी लेकर आए हैं। थोड़े अलग तरीके से इसको बनाएंगे तो खाने वाले बड़े शौक से खाएंगे। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए टमाटर, मिर्ची, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा गर्म मसाला, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन है, और यहाँ पे भुना पिसा जीरा, काली मिर्ची और नमक और थोड़ा दही। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का टमाटर को रफली चॉप कर दिया है, 12-15 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 हरी मिर्ची हमने लेकर इसको ग्राइंड कर लेना है। और अब यहाँ पे अंडों को हमने इस तरीके से उबाल कर इनको छील लेना है। तो अंडे आप अपने हिसाब से ले लें, जितने आप लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर 8 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के हिसाब से अंडों को यूज़ कर सकते हैं। और अंडों को कुछ इस तरीके से हमने कट कर लेना है। देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में हमने अंडों को कट कर लेना है। तो दिखने में जो है ना, इस रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से कट कर रहे हैं। थोड़ा सा न्यू लुक आ जाएगा और ग्रेवी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए इस तरीके से आप एक बार एग करी ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इनको आराम से काटिए कि इनकी जर्दी जो है इस तरीके से इसमें बनी रहे। तो यहाँ पे बाकी सब एग्स को भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, आप जो ऑयल खाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तेल गर्म हो गया है, आधी चम्मच जीरा इसमें क्रैकल होने के लिए हमने डाल दिया है। और ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको हमने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है। और इसको हमने मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है। और जो हमारे ग्राइंडेड मसाले थे वो भी हम इस पॉइंट पर इसमें डाल देंगे। और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दीजिए, जिससे कि जो मसाले चिपके हैं वो भी इसमें आ जाएं, वेस्ट नहीं हो। और अब यहाँ पर देखिए लगातार हम चलाएंगे। यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है इसमें मसाले में। और अब जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब तक हमने इन मसालों को भून लेना है। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, दैट मीन्स मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब यहाँ पे दही डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दें इसमें, फ्रेश कर्ड इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। और जब दही डालें तो लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल ग्रेवी के लिए इसको मसाला भून लिया है। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इस ग्रेवी को हम पकने देंगे, क्योंकि हमने एग्स को उस तरह से काटा है, बिल्कुल लास्ट में हमने इसको एग इसमें ऐड ऑन करने हैं। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है। अब इसको लो फ्लेम पर आप 4 से 5 मिनट पका लीजिए, जिससे कि ग्रेवी का कच्चापन निकल जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। और अब यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए चला लिया है। अब इस पॉइंट पे जब ग्रेवी पक चुकी है तब हमने यहाँ पर एग्स डाल दिए हैं। एग्स डालने के बाद इसको चलाने में हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जो जर्दी हैं वो पूरी की पूरी बाहर ना आ जाएँ। कुछ तो देखिए बाहर आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी जर्दी आपकी बाहर निकल के आ जाएँ। अब इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी आप क्रश करके हाथों से डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, यानी 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। तो बढ़िया मज़ेदार सी खुशबू के साथ आपकी जो एग करी है बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा इसको ढक दीजिए 1 से 2 मिनट और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और देखें कितनी बढ़िया सी हमारी जो रेसिपी है बनकर तैयार हुई। 1 हरी मिर्ची को हमने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। और यहाँ पे अब हम इसको में कोल का फ्यूम देंगे। तो 1 छोटी कटोरी में 1 सुलगता हुआ कोल यहाँ पे रख दें बर्न करके, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दें। जब यहाँ पे फ्यूम उठने लगे तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक दें, नहीं ज़्यादा करेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। बस एग करी हो गई है तैयार, इसको सर्व करें और इसको इंजॉय करें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।